तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारे नए अपडेट्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो अपडेट्स क्या है। हमारा सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है मार्वल की वंडर मैन सीरीज को लेकर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस सीरीज को कई बार डिले किया जा चुका है, बट फाइनली इस सीरीज की शूटिंग लॉस एंजलिस में स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ईयर हमें यह सीरीज डिज्नी प्लस पर देखने मिल जाएगी और इस सीरीज के दो नए सेट इमेजेस भी निकल कर आए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज को लेकर। तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है कि हटर डुहान को कंसिडर किया जा रहा है म्यूज़ के रोल के लिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में, और इस बात को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि कैरन और फॉगी इस सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज को लेकर एक रूमर ये भी निकल कर आया है कि अगले महीने से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है डीसी के क्रिएचर कमांडो सीरीज को लेकर। तो रिसेंटली इसका एक न्यू लुक रिवील किया गया है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसके अलावा इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस सीरीज में आन्या चल्होत्रा को कास्ट किया गया है सर्स के रोल में। नेक्स्ट एक रूमर है मैडम वेब मूवी को लेकर। तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग मैडम वेब मूवी के क्लाइमैक्स में हमें टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन देखने मिल सकता है। तो नेक्स्ट एक रूमर है व्हाट इफ की सीजन 3 को लेकर। तो यहाँ पे एक रूमर निकल कर आया है कि स्पाइडरमैन का हमें रिटर्न देखने मिल सकता है व्हाट इफ के सीजन 3 में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीजन 1 में कुछ एपिसोड्स हमें यहाँ पे दिखाए गए थे जिसमें स्पाइडरमैन था, लेकिन सीजन 2 में स्पाइडरमैन हमें एक बार भी नजर नहीं आया था। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है थंडरबोल्ट्स में सेंट्री के रोल को लेकर। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले स्टीवन यूएन थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री का रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया, और अब यहाँ पे एक नए एक्टर का नाम सामने निकल कर आ रहा है। वेल, तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑस्टिन एब्राहम्स को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है सेंट्री के रोल के लिए थंडरबोल्ट्स मूवी में। वेल, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑस्टिन एब्राहम्स को सेंट्री का रोल प्ले करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।